वर्धा में 1 अप्रैल को दिए प्रधानमंत्री मोदी के बयान को चुनाव आयोग की क्लीन चिट, कहा पीएम ने नहीं तोड़ी आचार संहिता, कांग्रेस ने की थी शिकायत। प्रधानमंत्री मोदी ने वायनाड से राहुल के चुनाव लड़ने पर कसा था तंज, कहा था ऐसी सीट चुनी जहां बहुसंख्यक अल्पसंख्यक है। आजम खान पर फिर चला चुनाव आयोग का हंटर, विवादित बयानों के चलते 48 घंटे प्रचार पर लगाई गई पाबंदी, आज सुबह 6 बजे से पाबंदी लागू। राहुल पर वरिष्ठ नागरिक होने के विवाद के बीच आज तक को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज। दिल्ली के ओली फैमिली अस्पताल में जन्म का ब्यौरा, रजिस्टर में 19 जून 1970 को सोनिया गांधी और राजीव गांधी के बेटे के जन्म की जानकारी, राष्ट्रीयता भारतीय और हिंदू धर्म में जन्म लेने का ब्यौरा। राहुल के विदेशी नागरिक होने पर स्मृति का तंज, बोली कांग्रेस भी है कंफ्यूज। नागरिकता विवाद पर गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस, सुब्रमण्यम स्वामी ने की है शिकायत, 15 दिन में मांगा जवाब। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप, बाकोबस कंपनी में डायरेक्टर और सेक्रेटरी थे राहुल गांधी, कंपनी रिपोर्ट में खुद को बताया ब्रिटिश। दिशा में शिवराज ने राहुल गांधी पर विवादित बयान, बोले कहा पागल इंसान। कन्हैया कुमार के भोपाल में प्रचार पर भड़के शिवराज, बोले दिग्विजय सिंह की मारी गई है मती। आज अयोध्या के पास अम्बेडकर नगर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, राम जन्मभूमि से करीब 20 किलोमीटर दूर मोदी देंगे भाषण। होशंगाबाद और जयपुर में भी पीएम मोदी करेंगे आज प्रचार, रोड शो का आयोजन। होशंगाबाद में मोदी की रैली के वक्त राहुल गांधी भी करेंगे रैली, बाराबंकी सीतापुर में भी राहुल करेंगे प्रचार। अयोध्या के पास फैजाबाद बाराबंकी बॉर्डर पर अखिलेश और माया की साझा रैली। हावड़ा में आज अमित शाह और ममता बनर्जी दिखाएंगे दम, दोनों एक ही वक्त पर करेंगे रैली। आज प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी में करेंगी प्रचार, अमेठी के दौरे पर आज दूसरा दिन। स्मृति ईरानी के लिए अमेठी में योगी आदित्यनाथ मांग रहे वोट, केजरीवाल का दिल्ली में रोड शो अगले 7 दिनों तक, आम आदमी पार्टी करेगी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रोड शो। दिल्ली में भी आज अमित शाह मांगेंगे बीजेपी के लिए वोट, राजनाथ सिंह की भी रैली। हेमा मालिनी आज रांची में करेंगी प्रचार, सिद्धू की चंडीगढ़ में रैली। हावड़ा में बोली ममता, मोदी जीते तो हाफ पैंट वाले डकैतों के हाथ चला जाएगा देश। वर्धमान में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, 8 बीजेपी कार्यकर्ता घायल। अमेठी में प्रियंका गांधी ने की सेवा दल के संजय गुप्ता से मुलाकात, कार्यकर्ताओं से की बात। साध्वी प्रज्ञा के रोड शो में बटे साध्वी के दर्द की कहानी के पर्चे, लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। पटना में तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, बोले प्रियंका की शादी के लिए वक्त लेकिन किसानों से मिलने का वक्त नहीं। माया अखिलेश गठबंधन पर शिवपाल यादव का हमला, बोले हमने बनाया मुख्यमंत्री। शिवपाल ने अखिलेश पर लगाया मुलायम के अपमान करने का आरोप, बोले समाजवादी पार्टी कमजोर इसलिए मायावती के पैरों पर गिरी जमकर। दिल्ली में उदित राज के साथ शीला दीक्षित ने की जनसभा, चौकीदार चोर है की बजे गाने। वाराणसी में नामांकन खारिज होने के बाद संतों का हंगामा, धरने पर बैठे। वर्धमान में पुलिस और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, पुलिस की गाड़ी से तोड़फोड़। बरेली में बीटेक के थर्ड ईयर के छात्र ने प्रेमिका की शादी होने के बाद की आत्महत्या, फेसबुक पर शेयर की प्रेमिका की तस्वीरें। बिलासपुर में महिला ने की बस कंडक्टर की पिटाई, 1.5 घंटे तक हुआ हंगामा। दिल्ली में स्कूटी चोरी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड, एक शख्स की 4 बार स्कूटी चोरी हुई। राजगढ़ में किसान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था बाहर। दिल्ली में हेड क्लर्क के हाथ पैर तोड़े गए, बीच सड़क पर गुंडों ने की पिटाई। आईपीएल में राजस्थान और बैंगलोर का मैच चढ़ा बारिश की भेंट, दोनों टीमों को मिले 1-1 अंक, आरसीबी बाहर होने वाली सबसे पहली टीम बनी। बारिश की वजह से 5 ओवर का किया गया मुकाबला, बैंगलोर ने दिया 63 रनों का टारगेट, दोबारा बारिश होने के बाद मैच हुआ ड्रॉ। आज चेन्नई और दिल्ली के बीच होगा मुकाबला, दोनों टैली में पहले और दूसरे पायदान पर। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली का बड़ा बयान, बोले वर्ल्ड कप में ऑलराउंडर विजय शंकर रहेंगे असरदार। अनुभवी ड्रैग फिल्कर रूपेंद्र पाल सिंह की भारतीय हॉकी टीम में वापसी, 10 मई से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा रहा है भारत। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।